नमस्कार, स्वागत है आपका, यह है बीबीसी दुनिया, मैं हूं नेहा भटनागर। As far as I'm concerned, we have to fight fire with fire. डोनाल्ड ट्रंप इस्लामिक स्टेट से लड़ने के लिए प्रताड़ना के बदनाम तरीकों के इस्तेमाल से भी नहीं करेंगे गुरेज। ट्रंप समर्थक शरद कुमार ने कहा, नए राष्ट्रपति के दौर में भारत और अमेरिका आएंगे और करीब। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले ब्रितानी एस्ट्रोनॉट को पृथ्वी पर लाने वाला यान बना लंदन के साइंस म्यूजियम का हिस्सा। और आखिर में ये है दुनिया की सबसे ज्यादा ढलान वाली सड़क। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। नए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका दोबारा वाटर बोर्डिंग जैसे टॉर्चर के तरीकों का इस्तेमाल शुरू कर सकता है। मौजूदा कानून के तहत ऐसे विवादास्पद तरीकों पर रोक है। राष्ट्रपति बनने के बाद एबीसी न्यूज को दिए अपने पहले टीवी इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि वो इस बारे में CIA और आला सैनिकों से सलाह लेंगे। ऐसी भी खबरें हैं कि वो CIA की खुफिया जेलों को खोलने की भी योजना बना रहे हैं। क्या अमेरिका कैदियों की प्रताड़ना के अपने पुराने कुख्यात तरीकों की ओर लौट रहा है? ट्रंप की योजना अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की उन जेलों को दोबारा खोलने की है जो कैदियों के टॉर्चर के लिए बदनाम रही हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद अपने पहले इंटरव्यू में ट्रंप ने अपनी मंशा साफ की। क्यों नहीं, जब लोगों के सर इसलिए कलम कर रहे हैं क्योंकि वो ईसाई हैं, जब इस्लामिक स्टेट ऐसे काम कर रहा है जिसके बारे में किसी ने मध्यकाल के बाद सुना तक नहीं है, ऐसे में क्या मुझे टॉर्चर के बारे में चिंतित होना चाहिए? मेरे ख्याल में आग का मुकाबला आग से किया जा सकता है। इस इंटरव्यू में ट्रंप ने एक बार फिर दोहराया कि वो मैक्सिको अमेरिका सीमा पर दीवार के लिए धन मैक्सिको से ही लेंगे, लेकिन मैक्सिको ने एक बार फिर साफ किया कि वो किसी भी हालत में इस दीवार के लिए एक पाई नहीं चुकाने वाले। अगले हफ्ते मैक्सिको के राष्ट्रपति अमेरिका पहुंच रहे हैं। उनके और ट्रंप के बीच होने वाली मुलाकात जाहिर है धमाकेदार साबित हो सकती है। तो ट्रंप मैक्सिको की दीवार पर की सीमा पर दीवार बनाने की बात कर रहे हैं, वहीं मैक्सिको के राष्ट्रपति जल्द अमेरिका जाने वाले हैं। इस सब के बीच मैक्सिको और अमेरिका के रिश्तों को लेकर वहां के लोग क्या सोचते हैं और क्या हैं चुनौतियां, बता रही है बीबीसी मुंडो सेवा की लॉर्डेस हेरेडिया। अभी तक मेक्सिको के राष्ट्रपति ने अपनी अमेरिका यात्रा को रद्द नहीं किया है, जबकि ट्रंप के मेक्सिको सीमा पर दीवार बनाने के ताज़ा बयानों के बाद कई लोगों को उम्मीद थी कि मेक्सिकन राष्ट्रपति वहां नहीं जाएंगे, लेकिन उन्होंने जोर दिया कि ट्रंप के दावे के उलट मेक्सिको इसकी कीमत नहीं चुकाएगा। वो एक कठिन स्थिति में है क्योंकि दीवार के अलावा भी कई मुद्दे हैं। हजारों मेक्सिकन अमरीका में रहते हैं और वहाँ से मेक्सिको वापस पैसे भेजते हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार होता है। मेक्सिको कई मामलों में अमेरिका पर निर्भर है। वहाँ एक कहावत है, हम भगवान से दूर लेकिन अमेरिका के बहुत पास हैं। तो एक बेहद शक्तिशाली पड़ोसी देश और उसके नेता के साथ किसी तरह समझौता करना होगा। और अब कुछ और बड़ी खबरों पर एक नजर। अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री मैडलिन ऑलब्राइट और बिग बैंग थ्योरी की अभिनेत्री मयम बियालिक ने कहा है कि अगर राष्ट्रपति ट्रंप मुसलमानों के रजिस्ट्री के वादे को लागू करते हैं तो वो दोनों भी अपना नाम उस लिस्ट में दर्ज करवाएंगी। ट्रंप के मुसलमानों के रजिस्ट्री करवाने और मध्य पूर्व से आने वाले लोगों पर रोक लगाने को लेकर कई अफवाहें उड़ रही हैं। काफी राजनीतिक उथल-पुथल के बाद गाम्बिया के नए राष्ट्रपति ने कहा है कि वो गुरुवार को वापस अपने देश लौटेंगे। दिसंबर में चुनाव जीतने के बाद से अदाना बैरो सेनेगल में रह रहे थे क्योंकि 22 साल से वहां के राष्ट्रपति रहे याया जामे ने कुर्सी छोड़ने से इनकार कर दिया था, लेकिन बाकी अफ्रीकी नेताओं की दखल के बाद जाकर बात बनी। ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्रालय ने येलो फीवर से बचाव के लिए 25 करोड़ टीके ऑर्डर किए हैं। वहां 17 साल बाद इतने बड़े स्तर पर यह बीमारी फैली है। 70 मामले दर्ज किए जा चुके हैं जिनमें से 40 लोगों की मौत हो गई। 300 मामलों की जांच हो रही है। ये बीमारी मच्छरों के काटने से फैलती है। एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप कई अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ सख्ती की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अपने चुनावी प्रचार के दौरान उन्होंने भारतीयों, खासतौर से हिंदुओं को रिझाने की कोशिश की। राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया, अमेरिका आने का न्योता दिया। ऐसे में अमेरिका का हिंदू समुदाय किस तरह से देखता है ट्रंप को? अभी की बार ट्रंप सरकार
अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप को भले ही अपने मुस्लिम विरोधी बयानों के लिए कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा हो, लेकिन भारतीय समुदाय के लिए उनकी प्रशंसा किसी से छिपी नहीं है। पिछले साल नवंबर में रिपब्लिकन हिंदू कोअलिशन के कार्यक्रम में भारतीय मूल के अमरीकी उद्योगपति शलभ कुमार ने खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को बुलाया था। ट्रंप ऐसी सरकार बनाएंगे जो आम लोगों के लिए और आम लोगों के द्वारा बनी हो, ऐसी सरकार जो सबके लिए काम करे। रिपब्लिकन हिंदू कोअलिशन सभी अमरीकी हिंदुओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता। 2 लाख से अधिक हिंदुओं ने डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए वोट दिया था, लेकिन भारत की तारीफ करने के बाद ट्रंप को कई नए प्रशंसक मिले हैं। व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा है कि वाशिंगटन भारत को अपना सच्चा दोस्त मानता है। ये देखना दिलचस्प होगा कि ट्रंप और मोदी की करीबी से दक्षिण एशिया की अमरीकी नीति पर क्या असर पड़ता है। और बीबीसी शॉर्ट्स में आज देखिए, नेताओं के साथ बदलते मोम के पुतले, ट्रेन और ट्रक की जबरदस्त टक्कर, और ब्रिटेन में क्यों ऊंची हील पर मच गया है बवाल। मैडम तुसॉट्स के मोम के पुतलों की दुनिया में जज्बातों के लिए कोई जगह नहीं। ओबामा ने गद्दी छोड़ी नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप का मोम का पुतला तैयार है, लेकिन पुराने नेताओं के पुतलों का होता क्या है? उनके धड़ तो किसी काम के नहीं, लेकिन सरों को प्रदर्शनी में रखा जाता है। ये वो पल है जब पैसेंजर ट्रेन और फेडेक्स का एक ट्रक एक दूसरे से तेज रफ्तार में टकराए। 80 लोगों को मामूली चोटें आई हैं और यूटा के अधिकारी इस घटना की जांच कर रहे हैं। ब्रिटेन में जब एक महिला कर्मचारी को ऊंची एड़ी पहनकर काम करने के लिए कहा गया तो दफ्तर में औरतों की वेशभूषा को लेकर पूरा बवाल मच गया। अब एक रिपोर्ट में पाया गया है कि महिला कर्मचारियों को बाल डाई करने, मेकअप लगाने और जिस्म दिखाने वाले कपड़े तक पहनने को कहा जाता है। पिछले साल ब्रितानी एस्ट्रोनॉट टिम पीक ने जिस यान में अपना अंतरिक्ष का सफर तय किया था, वो अब लंदन के साइंस म्यूजियम में प्रदर्शन के लिए रखा गया है। उम्मीद की जा रही है कि अब बच्चों को प्रेरित करेगा। देखते हैं उसी प्रदर्शनी की एक झलक। टिम पीक अंतरिक्ष में चलने वाले पहले ब्रितानी एस्ट्रोनॉट बने थे। अब पीक ने जिस सोयूज TMA-19MC नाम के यान का सफर किया था, उसे ब्रिटेन के साइंस म्यूजियम ने खरीद लिया है। म्यूजियम के अधिकारियों को उम्मीद है कि ये यान बच्चों को प्रेरित करेगा। इस यान से पर्दा उठाने के साथ साथ ये पहला मौका होगा जब टिम पीक अपने सफर की यादें सबके साथ साझा करेंगे। पिछले हफ्ते ही यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रमुख ने ये ऐलान भी किया था कि टिम 2019 से लेके 2024 तक एक अंतरिक्ष यात्रा तय करेंगे। न्यूजीलैंड के शहर डोनेडिन में दुनिया की सबसे तीव्र ढलान वाली सड़क है, जिस पर चलना अपने आप में एक अलग अनुभव है। लेकिन बॉल्डविन स्ट्रीट पर आने जाने वाले लोगों को क्या कोई दिक्कत होती है? आइए जानते हैं वहां रहने वाले लोग क्या कहते हैं। बॉल्डविन स्ट्रीट, दुनिया की सबसे तीव्र ढलान वाली सड़क। इस सड़क पर हर 3 मीटर चलने के बाद आप लगभग 1 मीटर की ऊंचाई तय करते हैं। मैं डोनेडिन का मेयर हूं। मुझे इस सड़क पर चलने के ज्यादा मौके नहीं मिलते। देखने पर आपको लगता है हाँ ढलान थोड़ी तीव्र है, लेकिन जब आप चलना शुरू करते हैं तब एहसास होता है कि ये वाकई में सबसे तीव्र ढलान वाली सड़क है। बॉल्डविन स्ट्रीट पर गाड़ी या साइकिल चलाना तो काफी कठिन हो सकता है, लेकिन कलाबाजियां दिखाना जानलेवा भी हो सकता है। मैं ब्रेंडन थॉमसन हूं और मैं उत्तर डोनेडिन पुलिस में कांस्टेबल हूं। कई लोग इस सड़क को देखकर उत्साहित हो जाते हैं और रोमांचक कलाबाजियां दिखाने लगते हैं। इसी वजह से यहां कुछ सालों पहले दुर्भाग्यपूर्ण घटना भी हुई थी। 2 लोग साइकिल पर करतब करने लगे और फिर ट्रेलर से टकरा गए। इस वजह से एक की मौत हो गई। डोनेडिन में रहने वालों का कहना है कि अगर आप इस सड़क पर हीरोपंती करेंगे तो ये सड़क भी आपको मजा चखाएगी। इस सड़क को देखने में ही मेरी तो सांस फूलने लग गई। पता नहीं जो लोग इस पर रोजाना चलते उतरते हैं वो कैसे करते हैं। बीबीसी दुनिया का आज का सफर यहीं खत्म होता है। कल फिर हम लौटेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ, दुनिया भर की और भारत के पड़ोसी देशों से एक्सक्लूसिव खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे 9:50 पर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।